प्रदेश ने अपने अत्यंत लोकप्रिय नेता को खोया है। वो जनता के दिलों पर राज करते थे। दो बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभा महामंत्री, अनेक पदों पर रहे, कुशल संगठक थे, लोकप्रिय जननेता थे, समाज सेवी थे, सफल प्रशासक थे। जनता दिलो जान से उन्हें प्यार करती थी। हमने प्रयास बहुत किए लेकिन हर प्रयास विफल रहा, हम उन्हें बचा नहीं पाए। आज उनका पार्थिव शरीर पहले हम भोपाल लाएंगे प्रदेश कार्यालय में, चूंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे। बाद में यहां से खंडवा हवाई पट्टी पर उतार के उन्हें उनके गांव साहपुर ले जाया जाएगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा। सर, नंदू भैया की सूचना मन को बहुत दुखी करने वाली सूचना है। नंदू भैया शांत सौम्य मध्यभाषी के साथ साथ अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। लगातार सांसद रहना, विधायक रहना, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहना, पद का अहंकार कभी छुआ नहीं उन्हें। वो मिठास जब मिलते थे, वो अध्यक्ष रहे तब, अध्यक्ष न रहे तब भी, वो सांसद रहे तब, वो न रहे तब भी, सदैव एक रूपता उनके व्यवहार में मिलती थी। सच में आज पीड़ा है मन को, वो हमारे बीच नहीं है, ये जानकर ही बहुत मन द्रवित है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नंदू भैया की क्षति अकेली पार्टी की क्षति नहीं, प्रदेश की क्षति है। हजारों हजार कार्यकर्ता आज दुखी हैं उनके जाने से। उन सबको भी ईश्वर संबल दे। बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति। सर आज जैसे ही मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लिए और प्रदेश और देश के लिए सच्चा जनसेवक हमने खो दिया। ये अपूर्ण क्षति है। हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि नंदू भैया हम सबके बड़े भाई थे। तो कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए जो बनते जीते थे, अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु लेकिन जो समाज के लिए जिए, जो दूसरों के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, जो असहाय के लिए जिए, ऐसे थे नंदू भैया, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन जिया और अंतिम समय तक वो जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत दुखद समाचार मिला है। बहुत ही हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। आज हमको बहुत बहुत गहरा दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को जो है दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम निश्चित रूप से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन उस दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला है। नंदू भैया को मैं कई सालों से जानता था। बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कई बार मेरे निवास में भी आए और उनकी याद एकदम से दिल में ताजा हो गई। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए ये नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्ण क्षति है और हम सब उनको ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी रहें सदैव। देखिए आज बहुत ही दुखद सूचना हम लोगों को मिली है। हमारे पार्टी के यशस्वी नेता नंदू भैया हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम सब दुखी हैं। नंदू भैया जैसा नेतृत्व पार्टी में, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पार्टी को
यहाँ तक पहुँचाया और विशेष रूप से जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते थे, पूरा निवाड़ हो, खंडवा खरगोन से लेकर इंदौर तक, पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान नंदू भैया का रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी को विस्तार देने का काम किया है। सहज सरल मृदुभाषी थे, कभी भी उनसे मिलने पर ये नहीं लगता था कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं या इतने बड़े पद पे हैं। सबसे सहजता सरलता से मिलते थे, सबसे आत्मीयता से मिलते थे। बहुत ही क्षति पार्टी को हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।